हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम कुछ चटपटी फिल्मी बातें करेंगे। आज इस वीडियो में हम दमन की बात करेंगे, जो एक उड़िया मूवी है और ये कम बजट की मूवी थी, लेकिन दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया और उसको IMDB में 9.7 भी मिला था। तो क्या आप जानते हैं दमन मूवी का रिश्ता एक हिंदी मूवी से है जिसका नाम है नया जहर। क्या आप बता सकते हैं इस दोनों मूवी में समानता क्या है? आइए हम बात करते हैं। ये जो दमन मूवी का जो हीरो हैं उनका नाम है बाबूसान मोहंती, और नया जहर जो पोस्टर देख रहे हैं उनमें जो हीरो हैं उनका नाम है उत्तम महंती। बाबूसान महंती जी के पिताजी हैं उत्तम महंती, जो कि एक हिंदी मूवी में काम किए थे। दमन मूवी में बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि दमन मूवी को हिंदी में बनाया जाए। हमारे कलाकार हैं दमन के बाबूसान मोहंती, जो काफ़ी उड़िया फिल्म में काम कर चुके हैं और इनको बहुत पसंद भी किया जाता है। ये हैं उनके पिताजी उत्तम महंती जी, जो उड़िया के सुपरस्टार रह चुके हैं। ये उनकी वाइफ हैं अपराजिता, ये भी उड़िया फिल्म की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं। ये दोनों की जोड़ी काफ़ी हिट मूवी दी हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी एक बार बोले थे कि मैं उत्तम महंती के साथ काम करके बहुत खुश महसूस कर रहा हूं, अपने आप को गर्वित मानता हूं, क्योंकि ये उड़िया के बहुत बड़े कलाकार हैं। और दोनों मिलके एक मूवी किए थे, क्या आप बता सकते हैं उसका नाम? जी हाँ, वो है ए जुगरा कृष्ण सुदामा। एक उड़िया मूवी आई थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और उत्तम महंती दोनों मिलके काम किए थे। दमन मूवी के जरिए बाबूसान मोहंती को अभी ओडिशा के बाहर के लोग भी जानने लगे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि सुपरस्टार का बेटा सुपरस्टार होता है, लेकिन बाबूसान मोहंती ने करके दिखाया। उड़िया इंडस्ट्री में यानी हॉलीवुड इंडस्ट्री में ये लोग कमाल कर चुके हैं। अब देखा जाए दमन मूवी जब हिंदी में आएगी तो क्या कमाल करेगी। यह पहली बार नहीं है कि एक उड़िया मूवी हिंदी में आएगी। इससे पहले भी एक मूवी आई थी उड़िया की, शेषा श्रावण, जिसमें प्रशांत नंदा जी थे और वो डायरेक्शन भी दिए थे, और उसी को राजश्री प्रोडक्शन ने हिंदी में रीमेक बनाए थे। उसका नाम था नैया, वो हिंदी में बन चुकी है। शेषा श्रावण उड़िया मूवी नैया मूवी के नाम से बन चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं फिर से एक उड़िया मूवी दमन कुछ कमाल करेगी और हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक उड़िया इंडस्ट्री का नाम रोशन करेगी। इनके बारे में ज़्यादा आप कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।